संविदा कर्मी की मौत पर संविदा कर्मी के परिजनों ने प्रभात मार्केट पर लगाया बॉडी को रखकर जाम। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र प्रभात मार्केट पर लगाया जाम। नगर निगम में संविदा कर्मी की मौत पर आक्रोशित परिजन और क्षेत्रवासियों ने लगभग एक से डेढ़ घंटे तक नेशनल हाईवे किया जाम। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अमित आनंद और एसीएम फर्स्ट परिजनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। मृतक के परिवार के लोगों का कहना था कि जिस दिन से यह लड़का करंट लगा है और घायल हुआ था उस दिन से लेकर आज तक लाखों रुपए इसके इलाज पर खर्च हो चुके हैं। कोई भी ठेकेदार, कोई भी नगर निगम का अधिकारी सामने नहीं आया है। उन लोगों को सामने लाया जाए और बच्चे की मौत का मुआवजा दिलाया जाए, यही शर्तें अधिकारियों के सामने रखी गईं। उसके बाद परिवार वालों ने अपनी शर्त रखी, अधिकारियों ने स्वीकार की, उसके बाद जाम को खुलवाया गया। मामला ये था, ये व्यक्ति काम करता था नगर निगम के, जो चली है गाड़ी, जो चली नहीं है अभी। हाँ, कौन से डोर टू डोर का गाड़ी चलिएगी, उसमें ये लड़का जॉब करता था। 5 दिन की छुट्टी सरकारी, तब भी ये लड़का काम पे गया था। जो वहाँ के ठेकेदार थे उसने उस लड़के को काम पे लगाया, उसको लड़के को करंट पकड़ लिया, वीडियो बन गई, सब काम हो गया। इस लड़के को इंसाफ नहीं मिल गया। ये 5 दिन से वहाँ तक दिल्ली से वहाँ से आके यहाँ कुछ ठीक भी था, दिल्ली गया, दिल्ली से सिर्फ मौत में आया, कंपनी भाग गई। वो एक बिहार में ऋतिक नाम लड़के का, 19 साल है, थाना यहाँ गोविंदनगर थाना लगता है कटघर दसरा। कौन है लड़के का? भाई में लगता हूँ। ये अस्पताल की लापरवाही थी और भैया जो लापरवाही। सर मैं लेके गया था एप्लीकेशन, पापा हूँ। मैं लिख के लेटर लेके गया था वहाँ पे, क्या कहते हैं, मजूला थाना। वहाँ पे उन्होंने लेटर लेके दरोगा जी ने रख लिया, बोला मैं बाद में करूँगा सुनवाई, उन्होंने उस टाइम नहीं करी। फिर मैं रात को एम्बुलेंस लेके 11:30 बजे 10:30 बजे के टाइम में चल गया मैं दिल्ली ले गया। दिल्ली में लड़का आर हो गया, ख़त्म। सुनवाई नहीं हुई, पता चला कि भैया हम क्या कर सकते हैं इस किस बात की रिकॉर्डिंग है कि चौकी गए, चौकी में कहा कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति खत्म हो गया तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। अब साहब हम हैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाता हूं मैं, इंसाफ के लिए कुछ नहीं, रिक्शा चलाता हूं मैं, मजदूर इंसान है हम, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। देखिए सर ऐसा है, आप छोटे हमें तो इंसाफ चाहिए, छोटे बच्चे चौकी वाले ने आज रख के कागज अपने पास रख लिया, कह रहा मुझे तुमने कुछ दिया कोई है जो तुम्हारी चेक वही सुनाऊंगा करूंगा। ये मेरा बच्चा है सर, आप ही से मेरा बच्चा है, देखो ना लाइव यही घर का खर्चा चलाता था बच्चे के लिए, बता दे क्या 8 साल होगी काम करता कूड़े काम करके ले आता था, छुट्टी के टाइम पे भी ले मेरे लोगों को ले गया वो। उसके बाद गाली गलौज हुआ, गाली गलौज होने के बाद ड्राइवर ने चढ़ा दिया, हेड जो सुशील चौधरी है उसने उसको चढ़ा दिया गाड़ी पे चढ़ाने के बाद, और उसकी 11,000 की लेन ऊपर चढ़ी थी और उसको खड़ा करके उसको गाड़ी ड्राइवर ने ठेकेदार ने सारा गिरा गाड़ी बढ़ा दी उन्हें ड्राइवर ने, उसकी दुश्मनी थी गाली पुरानी गाली गलौज। ये नगर निगम में एक संविदा कर्मी काम कर रहे थे, तो 12 तारीख को इनकी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से इंजर्ड हो गए थे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर यहाँ से रेफर होके दिल्ली में रेफर किया गया था, जहाँ उन दिल्ली में मृत्यु उनकी आज हो गई। तो उनके जो परिवार जन थे यहाँ पर मौके पर पहुँच के गया, जहाँ पर उनकी मांग थी कि उनकी जो नियमानुसार मदद की जाए, मौके पर पुलिस और प्रशासन में पहुँच कर उनकी संवेदनाओं को समझ कर जो भी नियमानुसार उनकी मदद की जा सकती है उसका आश्वासन दिया, लोगों ने बात मानी, और इस समय यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है और जो भी इन्होंने अपनी प्रार्थना दी है उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर जाम जो लगाया गया सर, क्या सर जाम जो लगाया, कितनी देर से जाम लगाया गया सर? ये
20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पे इन्होंने हम लोगों के साथ वार्ता करी। उसी दौरान जितनी देर यातायात बाधित रहा उसके लिए काफ़ी पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है यातायात। सर मृतकों का कहना था बोले कि नहीं तो हमारी नगर निगम कोई बात सुनी ना, मैं जो भी उनकी शिकायत थी उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, उनको नियमानुसार मदद करने की भी बात के लिए आश्वासन दिया गया है, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी समर्थन दिया है और जो भी नियमानुसार उनकी जो मदद प्रशासन द्वारा की जा सकती हो 101% की जाएगी और इस समय चीज़ें नॉर्मलाइज है और आगे भी जो प्रार्थना पत्र उसमें विधि कार्रवाई हम पूर्ण करेंगे। ठीक है।